अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख हुई तय। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। केदारनाथ में बढ़ने लगी रौनक, सुहाने मौसम में जुट रही भक्तों की भारी भीड़, पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी। बांके बिहारी मंदिर के विकास के लिए 505 करोड़ की कार्य योजना तैयार, काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे योग ऋषि स्वामी रामदेव, मां अन्नपूर्णा के दरबार में भी लगाई हाजिरी। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर, 10,000 नग से जड़ा हुआ मुकुट पहनेंगे गजानन। अयोध्या जी में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजमान होने की पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मंदिर के उद्घाटन की तारीख लगभग तय कर ली गई है और अगले साल 22 जनवरी को विधिवत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से आने वाले अनेक श्रद्धालुओं ने पहले से ही होटलों की बुकिंग कर ली है। इस दिन पूरे देश में दीपोत्सव मनाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार जारी बारिश के चलते बर्फबारी हुई, पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाएं चल पड़ी। बावजूद इसके बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ डटी रही। बढ़ती ठंड को देखते हुए भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन के सहयोग से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सोनप्रयाग से धाम तक पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कॉरिडोर निर्माण की योजना बनाई जा रही है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विकास कार्य और कॉरिडोर निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 505 करोड़ की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी रविवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी के राजा बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके साथ ही उन्होंने माता अन्नपूर्णा के दरबार में भी हाजिरी लगाई। काशी पहुंचे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही स्वामी जी ने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात कही। बाबा विश्वनाथ मंदिर समिति और अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से स्वामी जी को उपहार भी दिए गए। देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं जयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर मोती डूंगरी मंदिर में भव्य तैयारी हो रही है। मंदिर में गणेश जी 10,000 नगों से जड़ा हुआ मुकुट पहनेंगे। ये मुकुट साल में एक बार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पहनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भक्तों को सुगम दर्शन सुविधा देने के लिए 7 लाइनें बनाई जाएंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो दर्शन पूजन के अलावा मंदिर के विकास कार्यों के लिए दान भी करते हैं। इसी कड़ी में मुंबई से आए महाकाल के एक भक्त गोपाल द्विवेदी ने 51 लाख का दान दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गोपाल द्विवेदी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं।